देश के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। मुकेश अंबानी ने 1981 में रिलायंस का काम संभाला था और रिलायंस इंडस्ट्रीज को नए मुकाम तक पहुंचाया। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। दोस्तों, 25 दिसंबर 2008 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड RPL ने कंपनी चालू करने की घोषणा की थी। जामनगर स्थित यह रिफाइनरी न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। आप वहां जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां पर किस प्रकार से पूरे सेटअप के साथ इस रिफाइनरी को बनाया गया है। बाहर आपको हरियाली हरियाली मिलेगी और एक बेहतरीन माहौल मिलेगा। दोस्तों, रिफाइनरी के अंदर शिव मंदिर, खूबसूरत पार्क, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड तक की सुविधाएं हैं। रिफाइनरी के अंदर की फ़ोटोज इस समय आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हालांकि यहां से तैयार पेट्रोलियम पदार्थों का सिर्फ निर्यात होता है, इसे घरेलू बाजार में नहीं बेचा जाता। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में स्थित इस रिफाइनरी को 36 महीने में तैयार किया गया है। इसकी क्षमता 5,80,000 बैरल प्रतिदिन है। इसके बगल में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहले से निर्मित रिफाइनरी है जिसकी क्षमता 33 लाख टन है। दोस्तों, अगर इन दोनों रिफाइनरी को हम मिला दें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी हब है। यहाँ तैयार पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी देशों में किया जाता है। यह परियोजना रिकॉर्ड समय में तैयार हुई है जो कंपनी की क्षमता को दर्शाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से मालूम था कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में मौजूद है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे और कहां से मालूम हुआ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।